أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن ساء ما يحكمون من كان يرجو لقاء الله فإن عجل الله لآت وهو السميع العليم ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون ووصينا الإنسان بوالديه حسنا
والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين صدق الله العلي العظيم نارا صلوات अजीब हाल में है फातिमा के दोनों पे सर, अजीब हाल में है फातिमा के दोनों पे सर, हसन के तीर बदन में, हसन के तीर बदन में, हुसैन तीरों पर, अजीब हाल में है फातिमा के दोनों पे सर। हसन को देखा है कासिम ने खूगलते हुए, हसन को दे है कासिम ने खूगलते हुए, सकीना देखती है बाप को तहे खंजर, अजीब हाल में है फातिमा के दोनों पे सर। न जाने देखे हैं ज़ैनब ने तश्त में कैसे, जाने देखे हैं ज़ैनब ने तश्त में कैसे, जिगर के टुकड़े हसन के, जिगर के टुकड़े हसन के, हुसैन का सर, अजीब हाल में है फातिमा के दोनों पे सर। हसन ने जाते हुए चूमे बाजू ज़ैनब के, हसन ने जाते हुए चूमे बाजू ज़ैनब के, हुसैन जाते हुए चूमते रहे चादर, अजीब हाल में है फातिमा के दोनों पे सर। हसन के बेटे के उम्मत ने कर दिए टुकड़े,
उम्मत ने कर दिए टुकड़े, हुसैन लाते हैं टुकड़े, हुसैन लाते हैं टुकड़े, वो सारे चुन चुन कर अजीब हाल में है फातिमा के दोनों पे सर। उधर हसन का जनाजा फिराया गलियों में, उधर हसन का जनाजा फिराया गलियों में, सरे हुसैन फिराया, सरे हुसैन फिराया, गया इधर दर दर अजीब हाल में है फातिमा के दोनों पे सर। तड़प रहे जनाजे कुछ और यूं अकबर, तड़प रहे हैं जनाजे कुछ और यूं अकबर के तीर खींच रही है, के तीर खींच रही है बदन से खुद मादर। अजीब हाल में है फातिमा के दोनों पे सर, अजीब हाल में है फातिमा के दोनों पे सर। अरे सलवात एक मतलब चंद अशआर समाप्त फरमाए के साबित हो के हम नहजे बलागा के है वारिस, साबित हो के हम नहजे बलागा के है वारिस, लब अपना इसी शान से खोलेगी सकीना। अरे जैनब तो जबा कोलेगी लहजे, लहजे में अली के अब्बास के अंदाज में बोलेगी सकीना, अब्बास के अंदाज में बोलेगी सकीना। बाबा जबर नारे सलवात इस कदर सूखे गलों का रन में हमला हो गया, खंजरों को जान से जाने का खतरा हो गया, लेके तो चुल्लू में पानी डूब मरे हुरमुला,
लेके तू चुल्लू में पानी डूब मर है हुरमुला। एक बच्चे से सरे मैदान रुसवा हो गया, एक बच्चे से सरे मैदान रुसवा हो गया। एक हकीकत पेश करता हूँ कि इसलिए हर ताजिए के साथ रहता है अलम, इसलिए हर ताजिए के साथ रहता है अलम। ये न कोई कह सके भाई अकेला हो गया, ये न कोई कह सके भाई अकेला हो गया। बावजे बुलंद नारे सलवात मेरा दिल हजरत अली से मिला, मेरा दिल हजरत अली से मिला, एक लम्हा था जो सदी से मिला। मेरा दिल हजरत अली से मिला, एक लम्हा था जो सदी से मिला। दीन के खुश्क लब को आबे हयात, दीन के खुश्क लब को आबे हयात, एक प्यासे की तशनगी से मिला। दीन के खुश्क लब को आबे हयात, एक प्यासे की तशनगी से मिला, एक प्यासे की तशनगी से मिला। तुम इत्तबाए आले रसूल खुदा करो, तुम इत्तबाए आले रसूल खुदा करो, ऐ कलमा गोयो अजरे रसालत अदा करो। तुम इत्तबाए आले रसूल खुदा करो, ऐ कलमा गोयो अजरे रसालत अदा करो। जिससे खफा बतूल है उससे खफा है रब, जिससे खफा बतूल है उससे खफा है रब। लिखने में क्या है तुम रज़ियल्ला लिखा करो, किससे खफा बतूल है उससे खफा है रब। लिखने में क्या है तुम रज़ियल्ला लिखा करो, लिखने में क्या है तुम रज़ियल्ला लिखा करो। मौला अली का नाम है मेरी जबान पर, मौला अली का नाम है मेरी जबान पर, ऐ हादसों अब आओ मेरा सामना करो। मौला अली का नाम है मेरी जबान पर, ऐ हादसों अब आओ मेरा सामना करो। हो जाएंगे बतूल के कातिल भी बेनकाब, हो जाएंगे बतूल के कातिल भी बेनकाब, बस मुंतजर के आने की दिल से दुआ करो। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। وَأَمَّا اللَّهُ مَنْ قَرَأَ الْفَاتِحَةَ گزارش ہے ایک بار سورہ حمد اور تین بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم جناب غلام المجتبیٰ ابن مولوی محمد محسن صاحب کی روح کو ایصال ثواب فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل هو الله احد، الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل هو الله احد، الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل هو الله احد، الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ اپنے اپنے مرحومین کی روح کی خوشنودی کے لیے بلند آواز صلوات پڑھیں۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله الواحد الاحد الفرد الصمد ذي الجلال والاكرام ذي القوة المتين كما هو اهله ومستحقه. والصلاة والسلام والتحية والاكرام على مولانا وسيدنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا مولى الكونين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد. وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المقتولين واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وقتلتهم وغاسب حقوقهم ومنكر فضائلهم أجمعين من يومنا هذا إلى صباح يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المجيد، بسم الله الرحمن الرحيم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صلوات محمد وعلى إسأل ثواب کی مجلس ہے، لیکن مناسبتیں بھی درپیش ہیں، جس کی بنیاد کے اوپر میں نے عنوان سخن قرار دیا اس مشہور فقرے کو جو اکثر و بیشتر آپ سماعت فرماتے رہتے ہیں. اس آئے و فی ادائے میں پروردگار بظاہر اپنے حبیب کا تعارف کرا رہا ہے، لیکن یہ تعارف بھی جو حبیب کرا رہا ہے، حبیب کا یہ تعارف پروردگار عالم امت سے نہیں کرا رہا ہے، بلکہ ڈائریکٹ خطاب کر رہا ہے سرکار ختمی مرتبہ سے. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے میرے پیغمبر، میں نے آپ کو نہیں بھیجا مگر یہ کہ آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. آپ کو مبعوث برسالت نہیں کیا مگر یہ کہ آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. یعنی پروردگار عالم بظاہر سادہ سی لفظیں ہمارے سامنے رکھ رہا ہے، لیکن اس سادے سی لفظوں میں بہت بڑا پیغام ہے کہ جو اللہ کائنات تک پہنچا رہا ہے. فرماتا ہے کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو مبعوث برسالت نہیں کیا، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا، ہم نے آپ کو اس کائنات میں نہیں روانہ کیا، مگر یہ کہ آپ عالمین کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں. اس رحمت بن کر آنے کا مفہوم کیا ہے، اسے ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. یعنی اس آیت میں پروردگار عالم ہمیں ایک بات کی نصیحت کر رہا ہے کہ اگر کسی کی ہدایت کا بیڑا اٹھانا چاہتے ہو تو تمہیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہدایت کے لیے لہجے کا نرم ہونا پہلے ضروری ہے. ہدایت کے لیے لہجے کا نرم ہونا پہلے ضروری ہے. یعنی اگر اپنے دوش پر رسالت کی ذمہ داری کو لینا ہے تو پہلے اپنے لہجے کو نرم بنانا پڑے گا، رحمت کا مظاہرہ کرنا پڑے گا، غضب کا مظاہرہ نہیں کرنا پڑے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ تبلیغ خشن لہجے میں نہیں ہوتی ہے، تبلیغ نرم لہجے میں ہوتی ہے. بات کو اگر پہنچایا جاتا ہے تو خشن لہجے میں نہیں بلکہ پیار بھرے لہجے میں، اور ظاہر ہے کہ پیار بھرے لہجے میں جو بات کہی جاتی ہے وہ بہرحال اثر رکھتی ہے. تو وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کا جو اصل مفہوم ہے، اے پیغمبر، میں نے آپ کو دنیا میں غیظ و غضب کرنے کے لیے نہیں بھیجا، میں نے آپ کو اس کائنات میں غصہ کرنے کے لیے نہیں بھیجا، میں نے آپ کو اس کائنات میں خشن ہونے کے لیے نہیں بھیجا، میں نے آپ کو اس کائنات
हाथ में रहमत बनाकर भेजा है, तो रहमत बनाकर भेजा है तो आपके लहजे की शीरीनी इतनी होनी चाहिए कि आपकी सदा पे लबैक कहने वाले दौड़ दौड़ के आते रहे। और जब कुदरत ने देख लिया कि मेरे हबीब की तबलीग का असर क्या है, तो खुद उसने ऐलान कर दिया यदखुलूना फी दीनिल्लाह अफवाजा। नबी की आवाज ऐसी है कि लोग गरोह दर गरोह दीने इलाही में दाखिल हो रहे हैं। एक सलावत पढ़िए मोहम्मद ये बात हमें और आपको अच्छी तरीके से समझना है कि परवरदिगार आलम ने इस कायनात में इंसान को अगर अपने सिफात का मजहर बनाकर भेजा है तो जाहिर है कि उसकी जो सिफतें हैं उन सिफतों को हमें इस कायनात में उजागर करना है अपने वजूद के जरिए। अपने जरिए से हम उसको उजागर करेंगे। अल्लाह अगर रहमान है, अल्लाह अगर रहीम है, तो फिर उसी के साथ साथ वो भी तो मरला है कि वो परवरदिगार गजबनाक भी होता है, वो परवरदिगार लोगों से खफा भी होता है, वो परवरदिगार लोगों पे आजाब भी करता है ना ये बातें। लेकिन जहां ये बात तय है कि वो गजबनाक भी होता है, नाराज भी होता है, वहीं पर ये जुमला भी आपके सामने बराबर का सुना हुआ है कि है वो हस्ती जिसकी रहमत उसके गजब पे हावी रहती है। या मन सबकत रहमत हो वाला गजब है, वो हस्ती जिसकी रहमत उसके गजब पे हावी रहती है। ये जुमला खुद बता रहा है कि रहमत का काम पहले है, गजब का काम बाद में है। इसका मकसद यह है कि हमें इस बात की तरफ मुतवज्जे होना है कि पहले काम जो लेना है वो रहमत से लेना है। हमें जब इस मंजिल में आना है तो पहले हमारा काम है एक दूसरे के साथ रहमत से पेश आना। और इसका सबसे उम्दा सबूत हदीसों ने हमें दिया, आवाज दी इन शैतान तुकरमा फलिन व इन शैतान तुहाना फखसिन। याद रखना, अगर चाहते हो कि लोग तुम्हारी इज्जत करें, लोग तुम्हारी हुर्मत का ख्याल करें, लोग तुम्हारा पासो लिहाज रखें, लोग तुम्हारे करीब आए, इन शैतान तुकरमा फलिन, तो अपने लहजे को नर्म करो, अपने लहजे को नर्म रखो, अपने के अंदर नर्म गुफ्तारी पैदा करो, नर्म रवैया पैदा करो। जितना नर्म रवैया पैदा करते जाओगे लोग तुम्हारी तरफ बढ़ते जाएंगे। वह इन शैतान तुहाना, और अगर चाहते हो कि तुम्हारी इहानत की जाए, तुम्हें रुस्वा किया जाए, तुम्हें जलील किया जाए, फखसिन, तो अपने को गजबनाक बना लो, अपने लहजे को सख्त बना लो, अपने लहजे को बदतर बना लो। इसका मतलब यह है कि इस कलमे ने हमें यह बता दिया कि लहजा अगर नर्म रहे तो प्यार मिलता है, लहजा अगर गजबनाक रहे तो नफरतें मिलती है। नबी से कायनात इसलिए प्यार करती है कि लहजा हमेशा नर्म रहा है। एक सलावत पर मोहम्मद इंसान की तरबियत के लिए ये सारी बातें इस तरीके से हमारे सामने आती है। इन शैतान तुकरम, अगर तुम चाहते हो तुम्हारी इज्जत की जाए, ये बहुत बड़ी नसीहत भी है और हमारे लिए लम्हे फिक्रिया भी है कि जहां पर मासूम इस तरीके से हमसे खिताब कर रहा है कि अगर तुम ये चाहते हो कि तुम्हारी इज्जत की जाए, क्यों? इसलिए कि तुम रुस्वा होने के लिए नहीं आए हो, तुम इज्जतों के लिए आए हो। परवरदिगारे आलम ने पहले तुम्हारे सर पे ताजे अकरमियत रखा है, तब तुम्हें इस कायनात में भेजा है। लगत करम ना बनी आदम कहकर परवरदिगारे आलम ने पहले तुम्हें बाइज्जत बनाया है। तो याद रखिएगा, इस बात को मद्देनजर रखिएगा, इंसान की इज्जत खुद उसके हाथ में है। इंसान की इज्जत, इंसान का वकार खुद उसके हाथ में है। ये चाहे तो अपने को इज्जत माफ बना ले, चाहे तो अपने को जलील बना ले,
یہ انسان کے اختیار میں ہے, اور اسی لیے اس طریقے کے خطاب ہمیں ہمارے سامنے رکھے گئے کہ انسان کو ہم نے مختلف طریقوں سے اس کائنات میں بھیجا ہے, کائے کے لیے, آزمانے کے لیے, پھر ہم نے اس کے لیے راستوں کی ہدایت کر دی. راستوں کی ہدایت کے بعد یہ لفظ آ گئی کہ اب یہ چاہے تو شاکر بندہ بن جائے, چاہے تو کافر بندہ بن جائے. یہ جملہ خود بتا رہا ہے کہ انسان کے اختیار میں ہے اپنی آبرو کو بچانا, انسان کے اختیار میں ہے اپنی عزت کو بچانا, انسان کے اختیار میں ہے اپنی کرامت کا محفوظ رکھنا. لیکن اگر چاہتا ہے انسان کہ وہ ذلیل ہو کے رہے تو کوئی حرج نہیں, ہم نے اس کے سامنے بہت سے راستے رکھے ہیں. اما شاکرم و اما کفورا, ہمارا کام ہے راستے دکھانا, ہمارا کام زبردستی چلانا نہیں ہے, ہمارا کام راستہ دکھانا ہے, راستے پہ زبردستی چلانا نہیں ہے. یہی راستہ, یہی راز ہے کہ پیغمبر سے اپنے پروردگار عالم نے کہا لستا علیہم بمسیطر, ہم نے امت پہ داروغہ بنا کر تمہیں نہیں رکھا ہے, ہم نے اختیار تمہیں اتنا دیا کہ تمہارا کام ہے ابلاغ, تمہارا کام ہے پہنچانا, تمہارا کام ہے باخبر کرنا, تمہارا کام ہے لوگوں کو آگاہ کرنا, تمہارا کام اتنا ہے کہ تم لوگوں تک مسائل پہنچا دو, ماننا نہ ماننا اس کا اختیار ہے. جب ہم زبردستی اپنے کو خدا نہیں منواتے ہیں تو تم زبردستی اپنے کو رسول کیوں منواؤ گے؟ جب ہم نے زبردستی اپنے کو خدا نہیں منوایا, جب ہم نے زبردستی اپنے کو خدا نہیں منوایا, اپنے کو رب نہیں منوایا, ہم نے اختیار دیا ہے, ہم نے اختیار دیا ہے, ہم نے اعلان کر دیا کہ ایمان لے آؤ گے تو کیا کہنا, نہیں لاؤ گے تو ہمارا عذاب بہت سخت ہے. ہم نے یہ اعلان کر دیا ایمان لے آؤ گے تو تمہارے لیے جزائیں ہیں, ایمان نہیں لاؤ گے تو ہمارا عذاب بہت سخت ہے, یہ بات تو کہہ دی ہم نے. اسی طریقے سے ہم نے اپنے حاجیوں کو بھی بھیجا ہے تو اسی کام کے لیے بھیجا ہے کہ وہ ان ہدایتوں کی منزل میں ان منزل کو مد نظر رکھے کہ ان کا کام یہ نہیں ہے. ہم نے موسیٰ سے جب بھی کہا تو یہ نہیں کہا, ہم نے کہا کہ جاؤ تم موسیٰ اور اپنے ساتھ لے کر اپنے وزیر کو جاؤ ہارون کو, تم دونوں جاؤ, کس کے پاس جاؤ؟ اس فرعون کے پاس جاؤ کہ جو طاغی ہو چکا ہے, جو سرکش ہو چکا ہے, جو باغی ہو چکا ہے. ہم نے بھیجا تو موسیٰ کو, لیکن کیا کہا؟ ہم نے کہا دیکھو اس سے جب بھی بات کرنا تو نرم لہجے میں بات کرنا. جاؤ اسے بات کرو, لیکن جب بات کرنا, کلام کرنا تو نرم لہجے میں کلام کرنا. ہو سکتا ہے کہ وہ تزکیہ کر لے اپنا, ہو سکتا ہے کہ خوف خدا پیدا ہو جائے اس کے پاس. تمہارا کام ہے جا کر کہنا اس سے غضب کی کیفیت موسیٰ کی کتنی ہے. ساری کائنات جانتی ہے کہ موسیٰ کے غضب کتنا ہے, موسیٰ کے غضب کو ساری کہنا. جو موسیٰ غضب ناکی کی منزل میں اتنا ہے کہ اگر امت پر اپنے بھائی کو چھوڑ کے جائے اور امت راہ راست سے ہٹ جائے تو آنے کے بعد وہ اپنے بھائی کو ہی نہیں دیکھتا کہ میرا بھائی ہے, بلکہ داڑھی پکڑ کے ان کی کھینچ کے پوچھتا ہے کہ میں اسی دن کے لیے چھوڑ کے گیا تھا. جو کیے آپ قرآن مجید کو دیکھیے, قرآن مجید کے اندر غضب ناکی اتنی ہے, مگر اس غضب ناکی کے باوجود پروردگار کیا کہہ رہا ہے؟ جاؤ تم دونوں, جاؤ ان کے پاس, اس حبائرہ فرعون, جاؤ تم دونوں فرعون کے پاس. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا, اور اس سے کہنا جب بھی بات کرنا تو نرم لہجے میں, لَعَلَّهُ يَتَزَكَّى وَيَخْشَى, ہو سکتا ہے کہ وہ اپنا تزکیہ کر لے. نرم لہجے سے بات کرنے میں دلوں کے الٹنے کا امکان پایا جاتا ہے, دلوں کے منقلب ہونے کا امکان پایا جاتا ہے. اگر انسان لہجے میں سوئی نہیں رکھے تو پھر
लहजे में अगर शीरीनी है तो फिर इंसान मुमकिन है कि इंसान का दिल पलट ले, मुमकिन है कि इंसान को उसकी आदतों से मुनारिफ कर दे। लेकिन अगर यही बातें आप अपने घरों में देख लीजिए कि अगर बच्चा जिद पे आ जाए तो फिर माँ प्यार भरे लहजे में उसकी जिद को तोड़ दिया करती है, प्यार भरे लहजे से जिद तोड़ दिया करती है। बाप गुस्सा करके उसको राम राम नहीं कर पाता, मगर माँ प्यार करके राम करके बताती है कि ये प्यार वो है कि जो अच्छों अच्छों को बदल दिया करता है, ये प्यार वो है। देखिए आप यही है बमार सल्लाह का इल्ला रहमत लिल आलमीन, हमने आपको आलमीन के लिए रहमत बनाया है, हमने आपको आलमीन के लिए रहमत बनाया। ये आपके प्यार का तकाजा है कि जब आप प्यार से इस तरीके से मुखातब होते हैं तो आपके प्यार को देखते हुए वो पत्थर के जो बोल नहीं सकता वो तस्बीह पढ़ने लगता है, वो दरख्त जो चल नहीं सकता वो चल के कलिमा पढ़ता है। ये प्यार भरा लहजा है आपका कि जिसकी बुनियाद के ऊपर ये सारी चीजें हम देख रहे हैं। अज़ीज़ाने मोहतरम, इंसान का होना, इंसान का इंसान बनकर जीना बहुत मुश्किल है। अगर चाहता है, देखिए ये जितनी बातें हमारे सामने कुरान मजीद के दामन में आती है या मासूमीन की जबानी आती है, ये सब हमारी हिदायत और रहनुमाई के लिए, ये सब हमारी तरबियत के लिए। उन्होंने जितनी गुफ्तगू की है वो सब इसीलिए की है। इत्तेफाक से एक ऐसे मर्द मोमिन के इसारे सवाब की मजलिस हो रही है कि जिसके लहजे में नरमी पाई जाती थी, चाशनी पाई जाती थी। हम लोग उन्हें छुट्टन दादा कहकर खिताब करते थे, हमेशा प्यार भरे लहजे में आकर के करीब आना, बात करना, एक अजीब कैफियत होती थी। तो आप देखिए लहजे की शीरीनी इंसान को कितना करीब करती है। लहजा अगर प्यार भरा हो ना तो दुश्मन सरसख्त भी इंसान का गिरविदा हो जाता है। सरसख्त दुश्मन, सरसख्त दुश्मन, ऐसा दुश्मन कि जो अपनी जबान से यह कहता है कि आज तक मुझसे बदतर दुश्मन कोई नहीं था, लेकिन आज के बाद मुझसे प्यारा आपका मोहिब कोई नहीं। तो देखिए क्या ये आपके पीछे नजर है तारीख, ये क्या हुआ था जो आकर बात को गाली दे रहा था एक बेटे के सामने। इंसान की इज्जत नफ्स के ऊपर आज कब आती है जब बाप के खिलाफ कोई बोलने लगे तो बर्दाश्त नहीं होता, बर्दाश्त नहीं होता कि हमारे बाप को ऐसे कैसे कह दिया है। इंसान ये फौरन डिग हो जाता है, हमारे बाप को ऐसे कह दिया, कैसे कह दिया। इत्तेफाक से तारीखें मंसूम है ना, लिहाजा मैं इशारों में जिक्र कर रहा हूं। हमारे बाप को ऐसा कैसे कह दिया, पूछो तुम्हारे लिए तुम्हारे बाप ज्यादा अजीज है या मौला इमाम हसन के लिए उनके बाप, मौला इमाम हसन के लिए उनके बाप। क्या हो गया, ये शामी आकर जो मौला के मुंह पर उनके बाप को गालियां दे रहा था, उधर गालियां दे रहा है, इधर मौला ने प्यार भरे लहजे में पूछना शुरू किया। जो प्यार भरे लहजे में मौला ने बोलना शुरू किया तो उसने क्या इतराफ किया, यही तो कहा कि आज तक मुझसे सरसख्त दुश्मन कोई आपका नहीं था और आज के बाद मुझसे ज्यादा मोहब्बत करने वाला कोई नहीं है। यानी ये लहजे क्या होता है, खुदा के दीन का होता है, खुदा वालों का होता है। तो फिर ये ना समझिएगा कि वो तही दस जा रहा है, वो खाली हाथ जा रहा है, नहीं नहीं, वो बहुत कुछ लेके जा रहा है। और फिर क्यों ना लेके जाए, जो खुदा अपने चाहने वालों को बहानों बहानों से अजर अता कर रहा हो, फिर उसके यहां खाली जाने क्या सवाल, उसके यहां खाली जाने का ही सवाल। देखिए आप गौर किए, इंसान की जितने भी आमाल है, हदीसों ने उन आमाल की तरफ हमें मुतवज्जे किया तो क्या कहा, कहा सुनो वो अमल, गौर कीजिएगा, वो अमल जो यकीन के दायरे में किया जाए अगर थोड़ा सा भी है, अगर थोड़ा सा भी है वो अमल, मुख्तसर सा भी है अमल, मगर यकीन के दायरे में है, यकीन के साथ है,
مختصر عمل ہے مگر یقین کے ساتھ ہے تو ایسے کام سے بہت بہتر ہے جو ہو تو بہت ڈھیر سا مگر یقین سے خالی ہو. ایسا کام کہ جو یقین سے خالی ہو اس کا کوئی فائدہ نہیں. تمہارا تھوڑا سا کام ہو مگر یقین کے ساتھ ہو تو وہ تمہارے بہت کام کا. حدیث ہے چھٹے امام کی جو میں نے آپ کے خدمت میں عرض کیا کہ وہ عمل کے جو قلیل ہے مگر دوام رکھتا ہے یقین کے ساتھ, دوام رکھتا ہے یقین کے ساتھ. کیا مطلب؟ یعنی آپ کا نماز ہے تو دو ہی رکعت مگر خدا پہ پورے اعتماد کے ساتھ ہے, پورے بھروسے کے ساتھ ہے. نہیں لفظ آپ بدل دو تاکہ آپ کو اور کیف آ جائے. مچھر کے پر کے برابر آنسو نکل رہا ہے مگر یقین کے ساتھ نکل رہا ہے. مچھر کے پر کے برابر آنسو نکل رہا ہے مگر یقین کے ساتھ نکل رہا ہے اور دوام لیے ہوئے ہے یہ یقین. تو پھر یہ کون ہے؟ یہ اس عمل سے کہیں اچھا ہے جو ریاکاری کے سائے میں کیا جائے, جو مکاری کے سائے میں کیا جائے, جو دکھاوے کے لیے کیا جائے. نہیں عزیزان محترم, وہ عمل اللہ کی نظر میں جو یقین کے ساتھ ہو جائے وہ بڑا مقبول ہوتا ہے. یقین کے ساتھ اپنا کوئی عمل بھی آپ کرے تو اس کو یقین پہلے حاصل کیجیے. یقین کیا ہے؟ یقین کیا ہے؟ یقین اس عمل کو کہتے ہیں جس میں کسی قسم کی ملاوٹ نہ ہونے پائے, کسی قسم کی ملاوٹ نہ ہونے پائے, یعنی خالص عمل. یہ خالص عمل اگر تھوڑا سا بھی ہے تو اللہ کے نزدیک بڑا اجر رکھتا ہے, بہت مقبول ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ, توجہ کیے گا, وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ کیفیت عمل کو دیکھتا ہے, تعداد عمل کی نہیں دیکھتا, عمل کی کثرت نہیں دیکھتا. اللہ کیفیت عمل کو دیکھتا ہے کہ کیسے کام کیا جا رہا ہے, کس طریقے سے کیا جا رہا ہے. وہ یہ نہیں دیکھتا کہ کتنی کثرت سے نماز پڑھ رہے ہو, وہ یہ نہیں دیکھتا, وہ دیکھتا ہے کیسی نماز پڑھ رہے ہو. وہ آپ دیکھیں غور کیے, اگر وہ کیفیت میں دیکھنے والا ہوتا, اگر وہ کیفیت دیکھنے والا نہ ہوتا تو پھر وہ قرآن مجید میں یہ اعلان کیوں کرتا, ان تبدو الصدقات فنعما هي وان تخفوها وتؤتوا الفقراء فهي خير لكم. ترجمہ سماعت فرمائیں, اگر تم ظاہر بظاہر علنی طور پر نیکیاں کرتے ہو تو کیا کہنا, کیا کہنا اس کا, کیا کہنا اس کا. وَنِعِمَّ هِيَا, اتنی بہتر ہے یہ بات کہ اگر تم عمل ظاہر بظاہر علنی طور پر اعلان کر کے کر رہے ہو تو کیا کہنا اس کا, بڑی بہترین بات ہے. لیکن اگر تم اسے چھپا کر کر رہے ہو اور وہ نیکیاں فقیروں کو عطا کرتے جا رہے ہو چھپا چھپا کے, تو یہ بھی تمہارے لیے بہتر ہے. دیکھیں آپ دونوں جگہ پر کا بات آ رہی ہے, وہاں کا جرا فن ماریا کیا کہنا اس عمل کا, اور یہاں کا جرا یہ بھی تمہارے فہیا خیر لکم, یہ بھی تمہارے لیے بہتر ہے جو چھپا کر کر رہے ہو, جو چھپا کر کر رہے ہو. اب میرا ایک سوال یہ ہے, ہم نے اپنی شریعت میں جب بھی بات سنی تو کیا سنی, دکھاوے کا کوئی عمل قابل قبول نہیں, دکھاوے کا کوئی عمل قابل قبول نہیں. ٹھیک ہے, دکھاوے کا کوئی عمل قابل قبول نہیں,
यकीन भी है इस बात के ऊपर, दिखावे का कोई अमल काबिल कबूल नहीं, दिखावे का कोई अमल काबिल कबूल नहीं है। दलील भी सुनते चलिए कि दिखावे का कोई अमल काबिल कबूल नहीं है। यह तो इब्तिदाए दिल में ही तय हो गया, अव्वल रोज ही तय हो गया, जब इंसानियत की आबादी बड़ी मुख्तसर थी, चार नफूस के ऊपर मुश्तमिल आबादी, उस चार नफूस पर मुश्तमिल आबादी में यह फैसला तो हो ही गया था क्या कि नजर अल्लाह की बारगाह में की जाए, है दोनों एक ही बाप के बेटे, एक ही मां के बेटे, दोनों सगे भाई आपस में, मगर मामला क्या हुआ, एक की कुर्बानी कबूल, एक की कुर्बानी कबूल नहीं हुई। पूछा गया क्यों, इसकी क्यों कबूल हो गई, उसकी क्यों नहीं कबूल हुई। उसने कहा कि मैं तो चार को 54 जानवर लेके आया था कि इसे देख के खुदा को पसंद आ जाएगा। उसने आवाज दी, अल्लाह दिखावे का अमल कब कबूल करता है, अल्लाह तो खौफ के साए में जो अमल होता है उसे कबूल करता है, अल्लाह से डरते हुए जो अमल किया जाता है अल्लाह वो अमल को कबूल करता है। इन्नमा यतकब्बल अल्लाह मिनल मुत्तकीन। देख रहे आप, तो पहले ही दिन तय हो गया कि दिखावे का अमल कबूल नहीं होता, खुलूस का अमल कबूल होता है, पहले ही दिन तय हो गया कि खुलूस का अमल। तो फिर ये कुरान क्या कह रहा है कि तुम दो सदकात, अगर तुम अलली तौर पर नेकियां कर रहे हो, वनहिम महिया, तो क्या कहना इन नेकियों का, क्या कहना इन नेकियों का, अगर तुम अलनी तौर पर कर रहे हो और अगर तुम छुपा कर दे रहे हो तो ये भी बेहतर है तुम्हारे लिए। लहजे को जरा देखिए, एक जगह कहा क्या कहना उसका, एक जगह ये भी बेहतर है, तो भाई कौन सा काम अच्छा हुआ, कौन सा काम अच्छा हुआ, मख्फी तौर पर देना या ऐलान करके काम करना। तो जो किए ऐलान करके काम करना, नेकियां करना, आवाज दी, ये मेरे मफहूम को समझने की जरूरत है, मैंने जो बात कही है इसे समझने की जरूरत है। देखो हमें दिखावे का अमल कबूल नहीं है, मगर दिखा के करना अगर कबूल ना होता तो नमाज को जमात से बोलने का हुक्म क्यों देता। इंसानियत को किस बुलंदी पे पहुंचाया जा रहा है, अगर ये मामला होता तो मैं ये क्यों कहता कि घर में नमाज पढ़ने से अफजल है जमात से पढ़ना, है ये मस्जिद में आओ लोग देखें, इसीलिए तो इशहाद शहादत तुम्हारे अमल पे हो, लोग गवाही दे तुम्हारे अमल की, लोग गवाही दे तुम्हारे अमल की, है ऐसे का क्यों कहता मैं ये। देखो मैंने दिखा के करने को बुरा नहीं मारा है, दिखावे के लिए करने को मारा है। लोगों को दिखाने के लिए करोगे, तवज्जो, फिर लफ्ज बदल रहा हूं, लोगों को दिखाने के लिए करोगे तो उनसे जजा लेना, लेकिन अगर लोगों को सिखाने के लिए अल्लाह के लिए करोगे तो फिर ये दो अमल है, एक लोगों को सलीका आ जाए, दूसरे तुम्हारा अमल करना एक सलावात पर मोहम्मद। देखिए इंसानियत की तरबियत किस तरीके से होती है, पहले ईमान के अमल को समझने की जरूरत है कि ईमान का अमल कैसे परवरदिगार के नजदीक काबिल कबूल हो रहा है। तुम जो सदाकात है वह नहीं महिया, क्यों कहा जा रहा है ये बहुत बेहतर, किस लिए बेहतर, क्या मुमकिन है कोई नेकी करना चाह रहा हो, मुमकिन है कोई नेकी करना चाह रहा हो,
मगर उसे सलीका नहीं आता, कैसे किया जाए। तुमने किया तो उसे सलीका मिल गया, अब वो भी करने लगा तुम्हारे करने से, अमल उसके अंदर भी शौक पैदा हो गया है, तुम्हारे इस अमल करने से उसके अंदर भी शौक पैदा हो गया। तो अब जो उसके अंदर शौक पैदा हुआ और वो अमल करने लगा, तो जानते हो तुम्हारे पास अजर क्या है? एक तुम्हारे अमल करने का, दूसरे तुम्हारे अमल से जिसके अंदर शौक अमल पैदा हुआ उसका अजर, ये दो दो अजर तुम्हारे ऊपर। देखिए परवरदिगार अपने बंदों पे कितना करीम है, किस तरीके से नेमतें दे रहा है, किस तरीके से अजर दे रहा है। अज़ान मोहतरम, ये है इंसानियत की तरबियत के लिए उसूल कि जो इस्लाम के दामन में पाए जाते हैं। एक मोमिन के सारे सवाब की मजलिस है जिसकी जिंदगी का रुख यही था कि वो खैर और खैरात में भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया करता था, और बिलखसूस अय्याम आज़ा में जो कैफियत होती थी मरहूम की, आप तो नहीं जानते मगर मैंने अपनी आंखों से देखा है जिस तरीके से वह तैयार होते थे और जिस तरीके से एहतमाम करते थे, जिस तरीके से अदा की सिलसिले से सारी खिदमतों को अंजाम देते थे, घर आना, अदा खाना सजाना, अदा खाने रौनक, बल्कि नौहा भी पढ़ना, मरसिया भी पढ़ना, ये सारे काम करना, और नाम हुसैन आते ही रोने लगना, ये अपने अमल से कायनात को बता रहा था कि हम जो कर रहे हैं वो यकीन के साथ कर रहे हैं कि मेरा मौला हुसैन इस काबिल है कि उसके लिए ये किया जाए। अगर ये यकीन पैदा हो जाए कि मेरा आका हुसैन इस काबिल है कि उसके लिए इस तरीके से क्रिया किया जाए, तो मसाइब सुनने की जरूरत नहीं होती, फकत एहसास से इंसान के आंखों में अश्क ले आता है। हाँ अजीजान मोहतरम, ये बरसी की मजलिस मुनाकिद की गई उस मरहूम के लिए जिसको गुलामुल मुज्तबा कहा गया, यानी जाहिर है इमाम हुसैन का चाहने वाला, अहले बैत का चाहने वाला नमाजी भी हर एतबार से, मगर आज उनके बेटे बाप को भूल नहीं पाए, रो रहे हैं, गिरिया कर रहे हैं, मजलिस इसीलिए मुनाकिद किया है कि अश्क बहा सके अपने बाप के ऊपर। लेकिन आप देखिए ये सलीका भी हमारे मकतब में है, अहले बैत के मकतब में, कि अगर हमारा मर जाने वाला हमारे दरमियान से चला जाए तो हम उसे याद करते हैं, मगर जब याद आती है तो डायरेक्ट उसको नाम लेके नहीं रोते, बल्कि फर्शे अज़ा बिछाकर हुसैन के बहाने उस पर आंसू बहाते हैं, हुसैन के बहाने आंसू बहाते हैं, मौला के ऊपर रोते हैं। अज़ान मोहतरम, आले मोहम्मद जो तरबियत करने आए थे, जिन्होंने सिवाय प्यार के कभी कोई और लहजे में बात नहीं की, देखिए प्यार भरे लहजे में, और अगर कहीं लहजे के अंदर जरा सी तब्दीली भी हुई है तो वह तब्दीली भी इस्लाह के लिए हुई है, किसी और बुनियाद के ऊपर नहीं। अगर किसी से कहा तेरी माँ तेरे अज़ा में बैठे, तो इसलिए नहीं कि उसे बुरा लग जाए, इसलिए कि उसको राह रास्त पे लाना है, वो जानते हैं कि कहां पर कौन सा लहजा असर अंदाज होगा, लिहाजा गुफ्तगू उस अंदाज से कर रहे हैं। तवज्जो किया जाने मोहतरम, तो ये हमेशा प्यार से बात करने वाले, हमेशा नर्म लहजे में गुफ्तगू करने वाले, सारी जिंदगी खत्मी मर्तबत की गुजर गई, क्या आलम है? आलम यह है कि किसी पे कभी खफा ना हुए, मगर वो मंजिल कितनी सख्त रही होगी कि जब नबी अपनी बज़्म से किसी को उठा रहे थे, कितने नाराज हुए होंगे कि जो अपनी बज़्म से उठाया, क्यों भाई? प्यार करने वाला नबी, काफिरों के लिए अपनी रिदा बिछा देने वाला नबी, आखिर इस मंजिल में क्यों आ गया? किस कैफियत से? किसी के जुमला अगर सख्त हो जाए, वो नबी के जो साहिर कहने पे गुस्सा न हुआ, वो नबी जो जादूगर कहने पे गुस्सा न हुआ, वो नबी जो काहिन कहने पे गुस्सा न हुआ, वो नबी जो पत्थर बरसाए जाने पे गुस्सा न हुआ, वो नबी जो कूड़ा फेंके जाने पे गुस्सा न हुआ, वो नबी के जो हर मंजिल के ऊपर इंसान से नरमी के साथ पेश आता रहा, आज क्या बात हो गई कि ये नबी खफा हो गया? इसलिए नहीं नबी खफा हो गया कि एक जुमला नबी का इनकार कर दिया गया, नहीं, बल्कि नबी ये देख रहे, मैं ये कह रहा था
कि लाओ मुझे कलम दो, मैं ऐसा नविश्ता लिख दूं कि मेरे बाद कभी गुमराह ना होना। और इसने कहा कि नहीं, ये मर्द हिज्यान बकरा है, इसे कलम ना दिया जाए। ये नबी को इतना सख्त लगा कि हम अजी जिंदगी के लिए हम जो सरमाया महफूज करना चाहते हैं वो इसे महफूज नहीं होने देना चाह रहा है, हमें कलम का इनकार नहीं कर रहा है, ये हमारी और तुम्हारी जिंदगियों में, इंसानों की जिंदगी में, उम्मतियों की जिंदगी में बर्बादी का सामान फराहम कर रहा है। और नबी ये कभी गवारा नहीं कर सकता कि उम्मतियों को कोई तबाही की तरफ ले आए। जब नबी गवारा नहीं करता तो नबी का नवासा हुसैन कैसे गवारा कर लेता कि उम्मत को तबाही की तरफ लाया जाए। जज़ाकुमुल्लाह, खुदा किसी गम में न लाए सिवाय गम मज़लूम करबला के। इतना प्यार भरे लहजे में बात करने वाला नबी, आखिर वक्त आ गया, वो नबी तड़प रहा है बिस्तर मरस के ऊपर। एक बेटी है जो अपने जानों पे बाप का सर लिए है, एक बेटी है जो अपने बाप का सर अपने जानों पे लिए हुए है। तारीख ने मुझे ये बताया कि ज़हरा अपने बाबा का सर अपने जानों पे लिए हुए बाबा से महवे कलाम रही, लेकिन एक मंजिल वो आई कि जब ज़हरा से मौलाए कायनात ने कहा अब ये सर मुझे दे दिया जाए, अब ये मुझे दे दिया जाए। कौन? वो आखिर वक्त के जब नबी की आंखें बंद होने वाली थी, मौलाए कायनात ने अपने जानों पे ले लिया। क्यों? इसलिए कि एक बाप के लिए, एक बेटी के लिए एक बाप का मरना बड़ा सख्त होता है। जज़ाकुमुल्लाह। एक बेटी के लिए एक बाप का मरना बड़ा सख्त होता है। वो सख्ती ये फातिमा बर्दाश्त कैसे करे कि बाप की रूह बदन से निकल रही हो और बेटी इस मंजर को देखे। कैसी कैफियत है कि जिस कैफियत पे मौलाए कायनात ने आकर अपने हाथ में ले लिया। क्यों? अली अपने सीने से क्यों लगाए हो? अली अपने सीने से क्यों लगाए आवाज देंगे? इसलिए कि मैं जानता हूं ये फातिमा के बस में नहीं है कि नबी को इस कायनात से इस तरीके से उठता हुआ देख सके। मैं कहूंगा हाँ मौला, आपने ये काम तो कर लिया कि आज एक बेटी से आपने उसके बाप का सर उठा लिया। ये कहते हुए कि बेटी बर्दाश्त नहीं कर सकती, हाँ एक करबला में एक बेटी अपने बाप को इस आलम में कैसे देख रही होगी। जज़ाकुमुल्लाह। तारीख गवाह है कि वहां पर भी हुसैन ने इंतजाम किया, वहां भी हुसैन ने इंतजाम किया कि बेटी बाप को न देख सके। क्या आए जमीन पे जलती हुई लेट गए, बेटी मेरे सीने पे लेट जा, बेटी को सीने पे लेटाया, उसके बाद दस से दुआ बुलंद किए, परवरदिगार तो इसे सुकून अता कर। और सुकून सकीना को मिल गया जब हुसैन ज़बह हो गए, तब उसके बाद सकीना आई बाप के लाशे पे आई। जज़ाकुमुल्लाह। तो मैं आपके सामने अर्ज कर रहा था कि एक बेटी के लिए बड़ा सख्त होता है। कितना सख्त था कि मौलाए कायनात ने हटा दिया। मगर एक फिक्रा कहना चाहता हूं, मौला दस्ते अदब जोड़कर बेटी के लिए जिस तरीके से बाप की जुदाई सख्त होती है, वैसे ही एक माँ के लिए बेटे की जुदाई भी तो सख्त होती है। अरे काश करबला में आ जाइए जहां हुसैन का सर कर रहा है, ज़हरा के जानों पे हुसैन का सर शमरे लाइन खंजर फेर रहा है। जज़ाकुमुल्लाह। कितने तलब की बात थी, किस तरीके से बर्दाश्त किया गया। तारीख बताती है कि वही फातिमा जो कल अपने बाबा का सर गली के सारों पे देके हट गई थी, वही फातिमा मख्तले करबला में यह आवाज दे रही थी कि जब सब हुसैन ने कहा आवाज दी, क्या सब चले गए मुझे छोड़कर, क्या सब मुझे छोड़ के चले गए? तो आवाज आई, बेटा अगर सब छोड़ के चले जाए तो ये माँ कैसे छोड़ दे जिसने चक्किया पीस के पाला है। वाह गुरबता, वाह
मुसीबत आ, खुदा किसी गम में न उड़ाए सिवाय गमे मजलूम करबला के। अजीजो ये सख्त लम्हात है कि जिन लम्हात को बर्दाश्त करना बड़ा मुश्किल काम होता है। ज़ैनब ने भी अपने बाबा की जुदाई देखी है, मगर किस आलम में देखी है? तारीख गवाह है कि सर पे जरबत लगी हुई थी, मगर सराने कौन था? जब अली का दम निकल रहा था तो हसन मुश्तबा सराने खड़े थे ज़ैनब को संभालने के लिए, हुसैन मौजूद था जो बाजू संभाल रहा था। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, जब भैया मारा जा रहा था तो ज़ैनब की कैफियत क्या थी? अरे तल्ले ज़ैनब यहां पे खड़ी हुई, ज़ैनब आवाज दे रही है, ए उमर साहब, अरे मेरा माजा या मारा जा रहा है और तू खड़ा देख रहा है, अरे शिव का खुद खंजर, ज़ैनब की फरियाद, हाय मेरा भैया हुसैन, हाय मेरा माजा या हुसैन, इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजून, إلهي بيات الزهراء وبيها وبعليها وليها وسر المستودع فيها والرجعات جواسا محمد علي محمد کا اس قلیل عمل کو قبولیت کا شرف عطا فرما، جو مقروضوں کا سس بکدوش فرما، جو بیماروں شفا عاجل عطا فرما۔ پروردگار ہم سب کو والدین کے لیے اور آل محمد کے لیے عزت کا ذریعہ قرار دینا، ذلت و رسوائی کا سبب نہ بننے دینا۔ اے میرے اللہ تجھے واسع محمد والے محمد کا، مرحوم کو جوار رحمت میں جگہ کر آمد فرما، ان کے حسنات کو قبولیت کا شرف عطا فرما، ان کے سیاحت کی مغفرت فرما۔ پروردگار ہمارے امام کے ظہور میں تاجل فرما، ہم کو ان کے آوان و انصار میں شامل فرما۔ اللہم تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔ گزارش ہے ایک بار سورہ حمد، تین بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر ان اس مجلس کا ثواب اور ان سوروں کا ثواب، نیز اسی کے ساتھ ساتھ جو قرآن خانی ہوئی ہے اس قرآن مجید کی تلاوت کا ثواب مرحوم جناب غلام المجتبی صاحب ابن محمد محسن صاحب کی روح کو ایصال ثواب فرمائے۔ اللہم صلی اللہ علیہ محمد، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، إياك نعبد وإياك نستعين، صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، بسم الله الرحمن الرحيم، يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين، مقتل بین کرتی تھی یہ رو کہ فاطمہ بچا ہے بے خطا میرا، بچا ہے بے خطا، کیوں کا گلا شم رے بے حیا، بچا ہے بے خطا میرا، بچا ہے بے خطا، بچا ہے بے خطا میرا، بچا ہے بے خطا، بچا ہے بے خطا میرا، بچا ہے
بے خطا کہتی ہوں تجھ سے ظلم کی تو التہا نہ کر برباد یوں لائی تو میرا گلستان کر شہر اگنا کاٹ حلق پر خنجر روانہ کر سبت نبی کے حلق پر خنجر نہ تو چلا بچا ہے بے خطا میرا بچا ہے بے کتنے ستم اٹھا کے اسے میں نے پالا ہے دکھ درد سب بھولا کے اسے میں نے پالا ہے چاکی چلا چلا کے اسے میں نے پالا ہے مت کر میرے حسین کا سلطن سے تو جدا بچا ہے میرا بچا ہے بے خطا بعد وفات بھی مجھے تب تک ملا نہ چین جب تک میرے قریب نہ آیا یہ نور عین کہتی تھی لاش بھی میری آ جا میرے حسین اس کے لیے ہی ٹوٹا تھا بندھے کفن میرا بچا ہے بے خطا میرا بچا ہے بے خطا زانو پہ اپنے راک سرے شاہ خوش خصال زہرا نے چوما روح کبھی سلجھا الجھے بال رو کر کہا کہ کھول دو آنکھوں کو میرے لال شبیر دیکھ آئی ہے مخدر میں سیدا بچا ہے بے خطا میرا بچا ہے بے خطا بچا ہے بے خطا میرا بچا ہے بے خطا یا حسین یا حسین یا حسین السلام علیکم و رحمۃ اللہ السلام علیکم و رحمۃ اللہ السلام علیکم
علیکم السلام 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 مولانا بلحسن علی بن صلی اللہ علیہ رحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم صاحب رسول زمان السلام علیکم شریف القرآن السلام علیکم الرحمن السلام علیکم محمد زمان حضا عن جد اللہ تعالیٰ برجر وصال اللہ تعالیٰ برجر بردور وجعل اللہ علیہ وسلم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ